यहाँ पे रोज के दौरान मतलब करीबन करीबन 500 से 600 लोग ऐसे ही खाते हैं यहाँ पे खाना। ये देखिए अपने हाथ से खाना खा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई, ऐसा लगता है कि देखते ही रहूं। देखो अभी फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूं और अभी फिलहाल मैं पहले जा रहा हूं ब्रेकफास्ट करने के लिए, गंगा घाट के दर्शन करने के लिए और स्वामी जी से मिलने के लिए। तीन काम एक साथ अभी करना है। और ये कल का पूरा सामान देखिए आप भाई, सब कुछ गीला पड़ा रखा है यहाँ पे। ये देखो पूरा अभी आपको दिख रहा होगा ये गीला भाई। आज धूप निकलेगी तो धूप निकलेगी तो मैं सुखाऊंगा ना। ये देखो बाहर का मौसम भी आपको दिखा देता हूँ पहले। एक बहुत ही बारिश आ रही है ऋषिकेश में भी, चल रही है देहरादून में तो ऑलरेडी कल चल ही रही थी, आज ऋषिकेश साइड भी मतलब हो रही है। चलो कोई नहीं, अभी पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ, फिर दर्शन करते हैं, स्वामी जी से मिलना है, सब कुछ करते हैं। चलो भाई स्वामी जी से तो मिल लिया है और अभी फिलहाल मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये है आज का ब्रेकफास्ट अपना, गुजराती ढोकड़ा, कठोड़ में तो चना और मग है, चाय, और ये क्या है, ये कुछ है कुछ पता नहीं है। चलो ब्रेकफास्ट पहले कर लेते हैं। और स्वामी जी से भी मिल लिया है, बातचीत किया था मैंने बहुत, तो वहाँ पर तो वीडियो नहीं बना सकता। अभी फिलहाल यहाँ पर आ चुका हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेते पहले। फिलहाल अभी मैं आया था ऑफिस पे, यहाँ पे ऑफिस है जो सामने दिख रही है। और यहाँ पे क्या ही अंदर दिख रहा है, मूर्ति वगैरह मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। और मुझे कॉल आया था कि कल मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए थे, जो अपनी एंट्री होती है ना कि आप आए हो तो यहाँ पे एंट्री कर करना था, तो वो मैंने नहीं करवाया था, सिर्फ मुझे चाबी दे दी थी स्वामी जी ने। तो पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता हूँ, फिर से रूम में जाऊँगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अंदर की साइड। ये देखिए भाई साहब क्या ही दिख रही है भाई। और यहाँ पे भाई कर रहे हैं मेरी एंट्री, अपने भाई ये अपने देखा होगा वीडियो में, यहाँ पे चल रही है अपनी एंट्री। और ये भाई क्या ही मूर्ति है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति भाई साहब, सब कुछ मूर्ति है यहाँ पे। अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ गंगा घाट से और अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब यहाँ पे रोज के दौरान मतलब करीबन 500 से 600 लोग ऐसे ही खाते हैं यहाँ पे खाना, करीबन ये मान लो 100 जन है। ये 10 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ पे खाना शुरू रहता है, मतलब फ्री सेवा, ऐसा कोई नहीं चार्ज कुछ नहीं है यहाँ पे, ये लोग सेवा करते हैं, कहता है ना पैसे वहीं पे टिकते हैं जहाँ पे इतनी सेवा होती है। ये देखिए और एक टाइम नहीं मतलब 4 बजे से लेके फिर 6 बजे तक फिर से स्टार्ट होता है ये सेवा। बहुत सारे भाई ये देखिए भर पेट खाना खाते हैं ये सब। थोड़ी देर मैंने सेवा की थी तो यहाँ पे सेवा वगैरह काम कर लिया है और अभी फिलहाल हम यहाँ पे खाना खाते हैं। यहाँ पे आज खाने में क्या है, पिंडे की सब्जी और छोले चावल दाल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो चलो खाना वगैरह खाते हैं फिर निकलते हैं और रूम की साइड। अरे मासी भाई अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ खाना खाने के लिए और ये देखिए ये क्यूट बच्चा मिला मुझे। हाय बेटा ठाकुर जी और यार बहुत ही क्यूट है भाई और इतना प्यारा खाना खा रहा है ना। अभी मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चे को फ़ोन देना, मतलब सब फ़ोन देते हैं तब खाना खाते हैं, कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आश्रम में ये देखने को मिलता है। ये देखिए अपने हाथ से खाना खा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई, ऐसा लगता है कि देखते ही रहूँ। देखो तो ये मतलब आश्रम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शायद अपने मतलब बेटे को देखो कि फ़ोन वगैरह लेके घूमते हैं ऐसे। और ये देखिए यहाँ पे अपने हिसाब से खाना खा रहा है, बहुत ही छोटा है भाई, पैर भी नहीं पहुँच रहे। चलो मैं भी खाना वगैरह खा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आश्रम में बसे सब यहाँ पे ऐसे खाना खाते हैं। और ये है आज की थाली भाई।
फिलहाल मैं आ चुका हूँ गंगा घाट पे और यहाँ पे भाई का लाइव चल रहा है कल की तरह। और यहाँ पे आरती लेने के लिए आ चुके हैं महाराज वगैरह, ये रहे जो आ रहे हैं सुनील स्वामी, अभी सबके साथ दर्शन करेंगे आरती का भी। तो ये आ रहे हैं स्वामी जी, यहाँ पे लाइव चल रहा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप बायो में जाके देख लेना कि गंगा आरती कैसे होती है यहाँ पे, और रेगुलर आप दर्शन भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है, तो मैं आपको बायो में लिंक दे दूंगा। और अभी यहाँ पे आरती होने वाली है जस्ट गंगा घाट पे ही, और यहाँ पे स्वामी जी आए हैं सूरज से, तो मतलब साथ में भी दर्शन करने वाला है। बहुत दिनों के बाद काम कर रहे हैं साथ में, और भी यहाँ गेहूँ की बोरी कंट्री से हो रहा है, यहाँ से गेहूँ की बोरी वहाँ पे शिफ्ट करना है सबको। कितने मिलकर काम कर रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 है, अभी भी आधा है ना, अब मतलब थोड़ा बहुत रह गया है। तो भाई ये देखिए भाई अपना कैमरा मैन था अभी, और यहाँ पे इतने कट्टे अभी भी रह गए हैं, और बाहर भी बहुत ज्यादा अभी भी, और ये देख लीजिए इतने कट्टे ऐसे इकट्ठे किए हैं भाई। यहाँ से देखिए हम अंदर दो भाई है, मैं बाहर भी जा रहा हूँ और अंदर भी काम कर रहा हूँ, बचे है ना उनके साथ थोड़ा बहुत चल भाई, में बहुत ताकत है देखो। चलो चलो ये बहुत ज्यादा है, कर लेते हैं। तो भाई खाना वगैरह खा के आरती के दर्शन करके फिर से आ चुका हूँ अपने रूम पे, ये देखिए अपना सब कुछ सूख गया है भाई, और आज का काम था कपड़े धोने का, कपड़े धो दिए, एक 4 टी शर्ट धोए, ये सॉक्स धोया वगैरह, हाँ और पता नहीं गले में क्या हो रहा, गले में पेन हो रहा थोड़ा बहुत, सर्दी भी थोड़ी होने वाली है अभी मुझे लगता है। तो चलो कोई नहीं अभी सोते हैं, कल तो नेपाल निकल रहा हूँ भाई। चलो कोई नहीं आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म कर देते हो, हाँ आई होप आप सभी को मेरा सा छोटा सा मोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, आप सभी को मालूम है ना मैं बिना पैसों के पूरा भारत घूम रहा हूँ, और कल से नेपाल की सीरीज शुरू होने वाली है, तो कहीं पे जाना मत ठीक है, अपनी कुर्सी की सीटें चकड़ के बांध के बैठ जाइए। चलो कल मिलते हैं कुछ अलग ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हर महादेव।